नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे चैनल में। आज हम आए श्री गोट फार्म में, जिनका नाम है दीपक भाई। मिलते हैं दीपक भाई से, बातचीत करेंगे कि आज हमारी व्यवस्था क्या दिखाने वाले, क्या जानकारी देने वाले। मिलते हैं दीपक भाई से। नमस्कार दीपक भाई। नमस्कार नमस्कार। तो आज हमारी व्यवस्था क्या दिखाने वाले? सिरोही के बच्चे हैं, सिरोही के गुजरी के बच्चे हैं। सिरोही गुजरी है और अजमेरी के पास बच्चे हैं। सारे के सारे मेल और फीमेल अवेलेबल है? ओनली मेल, ओनली मेल मेल अवेलेबल है। तो क्या वजन के बच्चे होंगे ये? वजन तो 3 महीने से 4 महीने के बच्चे हैं और 25 से 30 किलो के बच्चे हैं वजन है। यानी कि 25 से 30 किलो वाले वजन के बच्चे ही है। भैया वो 40,000 डाल दो ना। और करीबन मान के चलिए कि क्या रेट के हिसाब से सेल आउट करते हैं इसको? 280 रुपये किलो के हिसाब से आप इसको सेल आउट करते हैं। इसमें गुजरी के बच्चे हैं, सिरोही के बच्चे, अजमेरी के बच्चे हैं। अच्छा, तो सिरोही गुजरी और अजमेरी के बच्चे हैं। तो मान लीजिए कोई फार्म स्टार्ट करता है तो उसको स्टार्ट करने के लिए तो किन बातों का मतलब कि ध्यान रखना चाहिए कि छोटे बच्चे से शुरुआत करें, प्रेग्नेंट फीमेल से शुरुआत करनी चाहिए, या तो अगर छोटे बच्चे शुरुआत करता है तो क्या रख रखाव करना चाहिए? प्रेग्नेंट बकरी से शुरुआत करनी चाहिए जी। प्रेग्नेंट बकरी में फ़ायदा ये रहेगा कि 4 महीने के बाद तो ऐसे बच्चे उसके पास हो जाएंगे। 4 महीने बाद ऐसे बच्चे उनके पास तैयार हो जाएंगे। हाँ, बच्चा देने के बाद 4 महीने में ऐसा बच्चा मिल जाएगा उसको। अच्छा अच्छा। प्रेग्नेंट बकरी लेकर जा रहा है, 3 महीने बाद बच्चा सारे मिल जाएंगे और सारे बच्चे 7 महीने तो उसमें जो वेरायटी में को एक बार पकड़ के दिखा दीजिए, कौन सी गुजरी होती है, कौन सी अजमेरी, कौन सी सिरोही होती है? ये गुजरी है, ये गुजरी नस्ल में आता है। ये गुजरी है। अच्छा, ये गुजरी है, सफेद मुंह रहता है, उसका पेड़ आगे का व्हाइट रहता है। अच्छा अच्छा, ये गुजरी होता है। अच्छा, तो दीपक भाई जैसे कि आपके पास अगर मान लीजिए, देखो जी सामने दिख रहा है ना, पैर वाइट, मुंह वाइट, ओरिजिनल गुजरी में, ओरिजिनल गुजरी में। तो एक बात बताइए कि आपका एड्रेस किस जगह पर है? हमारा फार्म है अजमेर राजस्थान में, शिखर रोड पे है जी। जनाना हॉस्पिटल से 2 किलोमीटर दूर पे है, रेलवे स्टेशन से 9 किलोमीटर दूर पे, बस स्टैंड से 7 किलोमीटर दूर पे। अच्छा, तो किस नाम से गोट फार्म है अपना? श्री गोट फार्म। श्री गोट फार्म से ना। तो जैसे कि आपके पास अगर फार्म पे आता है कोई तो एनी टाइम उसके पास माल अवेलेबल मिल जाता है या कि अगर अवेलेबल नहीं होता है तो करवा देते हैं? यानी अवेलेबल नहीं होता, टेंशन नहीं है, अवेलेबल नहीं होता तो हैंड टू हैंड हो जाता है। अच्छा, तो आज जैसे कि ये माल अभी अवेलेबल है कि उसका सेल आउट हो चुका है? सेल आउट हो चुका है, दांता जा रहा है। अच्छा, दांता पालमपुर गुजरात जा रहा है माल, है ना? तो ये बात बहुत अच्छी बात है। कर्नाटक जा रहा है, ये आगे के बाड़े में, वो चोटीला गुजरात जा रहा है माल। अच्छा, और अंदर माल जा रहा है झारखंड जा रहा है। अच्छा, अंदर वाला जा रहा है, यानी 4 कस्टमर का भी आपके पास रेडी स्टॉक है, फुल कम्प्लीट ही चल रहा है आपके पास अभी। तो आपके पास अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर लगाता है या फिर माल लेने आता है तो उसको कितने टाइम में आप प्रोवाइड करवा देते हो? 24 घंटे 24 घंटे में ये माल। गुजरात वाला बंदा सुबह है शाम को माल रेडी है। अच्छा, दूसरा गुजरात वाला सुबह है शाम को रेडी है। दो गुजरात के अभी आपके ऑर्डर अभी चल रहे हैं? कर्नाटक वाले का ऑर्डर दे दिया है, वो पार्टी नहीं है, कस्टमर कभी आता ही नहीं है। तो जैसे कि मेन मार्केट आपको कौन सा होता है, कि गुजरात होता है, महाराष्ट्र होता है? ऑल इंडिया। अच्छा, ऑल इंडिया सप्लाई रहता है? ऑल इंडिया सप्लाई रहता है। तो आपके पास कम से कम कितने नंग में अवेलेबल आप पोर करवा देते हो? 20 नंग, कम से कम 20 नंग। तो अगर कोई मान लीजिए आपके पास ऑर्डर लगाता है या तो कोई मंगवाता है या तो आपको पहुंचाना होता है? हां, तो पहुंचा देते हैं। वीडियो अभी क्या वीडियो कॉल हो गए तो वीडियो कॉल से वजन हो जाता है, वीडियो कॉल से माल दिखा देते हैं। अच्छा, माल यहाँ से रवाना करते हैं, उसको वीडियो बना के दे देते हैं और गाड़ी का नंबर देते हैं, ड्राइवर का नंबर दे देते हैं, माल पहुंच जाता है उसके घर पे। तो ये बात कर्नाटक का पार्टी है, पांचवी बार माल लेके गया। अच्छा, मेरे फोन पे अभी हमने खुद हाथ नहीं मिला कभी। अच्छा अच्छा, पार्टी को मिले नहीं अब दिन तक। अच्छा, कर्नाटक में माल जाता है? बेंगलोर जाता है, 2000 किलोमीटर दूर है माल यहाँ से। बेंगलोर जाता है, तो पांचवी बार माल जा रहा है, लेकिन आपके अगर तो कांटेक्ट जैसे कि हर बीच में वीडियो कॉल से बात होती है बस। बीच में जैसे कि अपना भी बीच में अभी बेंगलोर का बनाया था तो इनका ही माल था? हाँ, उनका ही माल था। अच्छा, तो बहुत अच्छी बात है, मतलब कि एक ट्रस्ट होता है कि आपको भरोसा करके मंगवा सकते हैं। और एक पैसा दिया है, पैसा दिया है, माल तो मिलेगा, 100% मिलेगा आपको। अच्छा, और आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म एक दो दिन आगे पीछे हो सकता है माल निकलने में, ट्रांसपोर्ट की व्यवस्था में प्रॉब्लम में। अच्छा अच्छा, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो जैसे कि ये अगर मान लीजिए कोई फार्म स्टार्ट करता है तो उसको क्या क्या जरूरी चीज़ें करनी चाहिए? एक तो पहले तो नीचे पक्का किया है तो साफ सफाई कंप्लीट करनी है। अच्छा, हर रोज सुबह बर्तन, खाने के जो बर्तन है हाँ, वो कंप्लीट साफ सफाई के साथ रखना चाहिए। हर रोज सुबह सफाई कर लो, बिल्कुल पूरे दिन मत करो लेकिन हर रोज दिन सफाई
पानी वाला बर्तन और खाने वाला बर्तन साफ सुथरा रखो, यानी कि उसको रख रखाव के लिए खाना पीना जहाँ पर है और जहाँ पर रुक रखा है वो चीज़ साफ सुथरी रहनी चाहिए। साफ सुथरी रहनी चाहिए, पक्का है नीचे पक्का है तो झाड़ू मारना पड़ेगा, नीचे पक्का है तो झाड़ू मारने की जरूरत ही नहीं है। सही बात है। तो जैसे कि दीपक भाई बात बताइए कि कोई जैसे कि नया फार्म स्टार्ट करता है उसको हरे चारे की रिक्वायरमेंट जरूरी होती है कि नहीं? नहीं, हरा चारा न हो तो भी चलेगा और हरा चारा हो तो बेटर देन बेस्ट है, आपका खाने का खर्चा थोड़ा कॉस्ट कम हो जाती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। यानी कि ये तो मान लीजिए अपने अच्छी बात होता है, लेकिन अगर मान लीजिए ट्रांसपोर्ट का करवाता है छोटे बच्चों में कोई दिक्कत थोड़ी आती है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं आती, वो उससे छोटे बच्चे लेके जाता है ना, दो महीने के तीन महीने के अंदर के, उसमें प्रॉब्लम आती है। ये तो सारा प्रोडक्ट फार्मिंग माल होगा ना, तो 3 से 4 महीने के बच्चे हैं, खुद के खाने पे आ चुके हैं, खुद के खाने पे दूध छोड़ा हुआ बच्चे, दूध छोड़े बच्चे। अच्छा, चलिए तो अच्छी बात है। तो ये बात अच्छी जानकारी थी आपके बारे में। तो ये थी कुछ जानकारी श्री गोट फार्म के ओनर के बारे में, दीपक भाई के बारे में। तो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि आप तक नई जानकारी ऐसे हम लाते रहते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारे नोटिफिकेशन आइकॉन जरूर दबा दीजिए। कॉमेंट सेक्शन में बताइए किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।